हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए, इसी को टारगेट करते हुए, हमने एक मध्यकालीन इतिहास का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जहां से बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित हमने 100 से अधिक प्रश्नों का एक बहुत ही बढ़िया सेट तैयार किया गया है। और ये ऐसा सेट है जो विभिन्न आयोगों में, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं ऐसे प्रश्न, और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना अधिक से अधिक है। तो इन सभी से संबंधित हमने 100 से अधिक प्रश्नों का एक कॉम्बिनेशन, एक सेट तैयार किया है। ये सेट ऐसे है मेरे भाई, जैसे ही आप इन 100 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको इस बात का बहुत बेहतरीन ढंग से आइडिया लग जाएगा कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस कोने से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात का आइडिया आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लग जाएगा। आप टॉपिक को पढ़ना सीख जाएंगे, क्वेश्चन को समझना सीख जाएंगे कि किस टाइप के टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो साथियों, बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको लग जाएगा अंत तक हमने बहुत सारे चीज़ों को सीख लिया, बहुत सारा हमने फैक्ट सीख लिया, बहुत सारा हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। दिल्ली सल्तनत से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ सीख जाएंगे। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, ये पहला प्रश्न साथियों हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, और ये एकता व्यवस्था से संबंधित है। एकता व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। आप लोग को मालूम होगा एकता व्यवस्था क्या है। सल्तनत काल में एकता व्यवस्था जो थी वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रचलित व्यवस्था थी, जो क्या होता था, एक प्रकार के भूमि का टुकड़ा हुआ करता था, जो सैनिक या असैनिक अधिकारियों को जो सेवा प्रदान करते थे उनको दे दिया जाता था, और कहा जाता था कि आप यहीं से राजस्व को उगाही करिए, वसूली करिए, आप अपना इसी से खर्चा चलाइए, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो यही बात है यहाँ। तो पहला यहाँ क्या कर रहा है, एकता व्यवस्था, राजस्व एकत्र करने की एक व्यवस्था थी। यस मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन हमें गलत को पकड़ना है। बी वाला कह रहा है सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। यस मेरे भाई, हमें रचना जो सियासतनामा थी इसी से एकता व्यवस्था की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। सी वाला कह रहा है कि एकता से एकत्र राजस्व सीधा सुल्तान के खातों में जाता था। नहीं मेरे भाई, यही गलत है। क्यों गलत है, अभी मैंने बताया, ये उन अधिकारियों को प्रदान किया जाता था जो सैनिक या असैनिक अधिकारी अपना सेवा प्रदान करते थे, वह उनके लिए होता था, इसका राजस्व उनके खाते में जाता था, न कि सुल्तान के खाते में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो गया। तो गलत हमसे पूछा, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है एकता व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो सी वाला नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं दूसरे में क्या कह रहा है। दूसरे में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मेरे भाई, जो सही सुमेलित नहीं है उसी को पकड़ना है, आपको मालूम होना चाहिए। दाम क्या था, एक तांबे की मुद्रा थी, ये बात तो सही है। देसाई राजस्व अधिकारी होता था, ये भी सही है। दीवान क्या होते थे, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होते थे, ये भी सही है। आपको जब मालूम चल गया शुरू के तीन सही हैं तो चौथा ही गलत होगा, तो चौथा ही हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो डी है, यही हमारा उत्तर होगा, यही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मेरे भाई जरीब एक भूमि को नापने का पैमाना होता था। हम लोगों के यहाँ जरी बोला जाता है, या कड़ी बोला जाता है, या लाठा बोला जाता है, जिससे ज़मीन को नापा जाता है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी जरीब इसमें दिया है, एक प्रकार का टैक्स होता था। नहीं मेरे भाई, यह भूमि नापने का एक तरह का पैमाना होता था जिससे ज़मीन को नापा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत था। चले हम लोग अगले प्रश्न पर, तीसरे में देखते हैं क्या है। देखें तीसरा में हमारा एक बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि चालीसा मंडल का गठन किस शासक ने किया था। तो मेरे भाई, चालीसा मंडल एक 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था, जिस तरह से मोदी जी का एक मंत्रियों का समूह हुआ करता था, इसी प्रकार से इल्तुमिस ने 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया था, जो उसे सलाह या अन्य कामों के लिए उसे जो है सहायता मिलती थी। तो इल्तुमिस ने बनाया था चालीसा मंडल, 40 तुर्क सरदारों का एक मंडल था, संगठन। आगे बढ़े हम लोग, देखें क्या है। कह रहा है कि रजिया सुल्तान, आपको मालूम है इसी इल्तुमिस की बिटिया थी, तो रजिया सुल्तान
रजिया सुल्तान के पतन का सबसे मुख्य कारण जिसे एल्फिंस्टन एक इतिहासकार हैं, तो एल्फिंस्टन ने क्या माना? तो मेरे भाई एल्फिंस्टन जो इतिहासकार हैं, इनका ये मानना था रजिया सुल्तान का जो पतन हुआ इसका सबसे मुख्य कारण यह हुआ कि वह एक महिला थी, वह एक स्त्री थी। अगर वह स्त्री नहीं होती तो उसका पतन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए, उसका स्त्री होना। बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग, देखें क्या है इस पांचवे में। पांचवे में साथियों कह रहा है राजत्व का सिद्धांत। बहुत बढ़िया, राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया? तो साथियों ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है, राजत्व का सिद्धांत क्या होता था। तो इस राजत्व का सिद्धांत का मतलब होता था राजा ही सब कुछ है, राजा ही ईश्वर है, जो राजा करेगा वह आपको मानना पड़ेगा क्योंकि राजा ईश्वर है। तो यह किसने, यह मानना किसका था मेरे भाई? तो यह मानना था बलबन का, ऑप्शन नंबर सी। बलबन ने ही राजत्व का सिद्धांत दिया था और बलबन ने ही ये जिल्ले इलाही का अपना टाइटल रखा था, मतलब ईश्वर की छाया, अपने आप को ईश्वर की छाया मानता था। तो यही है ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा राजत्व सिद्धांत का मतलब राजा ही सब कुछ है। छठवां में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनतकालीन विद्वान नहीं था? तो सल्तनतकालीन विद्वान मेरे भाई अमीर खुसरो भी था, अमीर हसन भी था, मिन्हाज उस सिराज भी था। ये तीनों तो हमें कन्फर्म है, लेकिन जब ये तीनों कन्फर्म है तो आँख मूंद कर हम लगा देंगे अब्बास खान शेरवानी सल्तनतकालीन विद्वान नहीं था। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। देखें अभी ये चालीसा मंडल का सवाल ऊपर आया था मेरे भाई, आप लोग को याद होगा। तो चालीसा मंडल जिसे इल्तुमिश ने बनाया था, तो इसमें पूछ रहा है चालीसा मंडल निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने भंग किया था, कौन से सुल्तान ने चालीसा मंडल को भंग किया था? तो मेरे भाई यहाँ पर बलबन ने बनाया था इल्तुमिश ने, और भंग किया किसने? बलबन ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े हम लोग आठवें में, देखते हैं क्या है। देखें आठवां में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, सूची एक दिया है यहाँ पर, देखें यहाँ पर सूची एक और यहाँ पर सूची दो। तो सूची एक में कुछ मतलब विभाग दिए गए हैं, कुछ टर्म्स दिए गए हैं, और दूसरा उस टर्म्स का मतलब दिया गया है, तो उसी को हमें मिला देना है। तो हम मिलाएंगे कैसे मेरे भाई? तो आपको मालूम होगा ये दीवान ए अर्ज या एक सैन्य अधिकारी सैन्य विभाग था, ऑप्शन ये चला आएगा, तीन पे मिल जाएगा, ये तो हमें क्लियर है। तो मिलाने वाला सवाल साथियों बहुत लाजवाब होता है, हमें कम जानकारी में भी हम अपना उत्तर निकाल लेते हैं। ये हो गया, और ये देखो यहाँ पर सिजदा, सिजदा क्या था? एक तरह का एक दंडवत प्रणाम करने का था यहाँ पर ये। तो सिजदा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? दंडवत प्रणाम होने की प्रथा, तो ये चला आएगा एक पर। और सी वाला क्या हो जाएगा हमारा? पाबोस, पाबोस मतलब ये कदम चूमना, ऑप्शन ये दो पर चला आएगा। और ये हमारा बचा है ये इस पर चला आएगा। तो हमारा कौन सा यहाँ पर सेट बन रहा है? ए तीन पर और बी एक पर। तो हमारा कौन सा यहाँ पर सेट तैयार हो रहा है साथियों? सी, ऑप्शन नंबर सी, ए तीन पर, बी एक पर और सी हमारा चला आएगा दो पर, डी चार पर। सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बन रहा है सेट। आगे हम लोग बढ़ें, नौ में देखते हैं क्या है। देखें इसमें कह रहा है कि कौन सा शासक इलबरी तुर्क नहीं था? तो नहीं पर ध्यान दीजिए, इलबरी तुर्क नहीं था। तो साथियों यहाँ पर इल्तुमिश भी जो इलबरी तुर्क था, बलबन भी था, और ये जो फिरोज शाह था रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये भी था इलबरी तुर्क। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक इलबरी तुर्क नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यही उत्तर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखें हम लोग अब दसवां प्रश्न, दसवें में साथियों क्या करा है। बहुत बढ़िया साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने सीखने समझने को मिलेंगी। तो देखें यहाँ पर क्या कह रहा है कि अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? तो अरबी परंपरा के आधार पर बताया जा रहा है, अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा लागू करने का
श्रेय किसको जाता है, तो इल्तुमिस को जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, दसवें का ए। आगे हम लोग अगर पढ़ें तो यहाँ पर देखें, 11 में पूछा जा रहा है हमसे, सल्तनत काल में आमिर ए आखूर, सल्तनत काल में आमिर ए आखूर कहलाता था, क्या कहलाता था? तो मेरे भाई, आमिर ए आखूर जो था ये घुड़सवारों का मुखिया होता था, घुड़सवार जो विभाग होता था उसका मुखिया। इसमें एक ट्रिक याद कर लीजिएगा आप लोग, इसमें खूर है, खूर घोड़े के पास होता है, और ये अश्वशाला यानी घुड़सवाला का प्रमुख था। तो मतलब घोड़े कितना है, कहाँ है, कैसे हैं, उससे संबंधित यह पूरा इसके काम रहता था। ऑप्शन नंबर बी, आमिर ए आखूर अश्वशाला का प्रमुख। 12 में हम लोग देखें, इसमें कह रहा है कि तबकात ए नासरी किसकी रचना है, तबकात ए नासरी किसकी रचना है? मेरे भाई, मिनहाज उस सिराज का। ऑप्शन नंबर, मिनहाज उस सिराज का, MUS, मूस, याद कर लीजिएगा, मूस जो होता है सबका नाश कर देता है, तो इसी से आप लोग याद कर लीजिएगा कि तबकात ए नासरी किसका था, मिनहाज उस सिराज का। आगे देखें हम लोग, ये भी प्रश्न पूछा गया है 16 में, तो कह रहा है पहला प्रश्न में, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो आप लोग को मालूम होगा साथियों, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो एक गुलाम था मोहम्मद गोरी जिसे लेकर आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसे गुलाम कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है का गुलाम इल्तुमिस था, तो इसलिए इल्तुमिस को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े हम लोग, 14 में देखते हैं क्या है। तो 14 वाला भी आर ओ में देखो, 2016 में पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है, कौन सी इल्तुमिस के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो साथियों आपको बता दें, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो था वो इल्तुमिस कहलाता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुमिस कहलाता था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी राजधानी को एक सुनियोजित ढंग से और अच्छे तरीके से शासन लागू करके अपनी राजधानी को दिल्ली ट्रांसफ़र किया। इसके पहले राजधानी लाहौर हुआ करती थी, लेकिन इल्तुमिस ने सब कुछ चुस्त दुरुस्त करके अपनी राजधानी को दिल्ली लाया, इसीलिए इसको इल्तुमिस को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आगे बढ़े हम लोग, बहुत बढ़िया। क्या है हमारा इसके बाद 15 में, देखें 15 में भी सवाल बढ़िया है, ये IAS 2003 में कितना सरल सवाल पूछा गया है, एकदम बच्चों जैसा, आप लोग पढ़े होंगे इसे खूब। कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो सबसे पहले मेरे भाई, हम लोगों को बहुत पहले से ही मालूम रहा होगा, आप लोग छठवीं का शायद अगर पढ़ेंगे इतिहास में तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, न छठवीं में तो नौवीं में अवश्य मिल जाएगा, कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी एक घोड़ा से गिरने से हो गई थी। एक चौगान का खेल होता है जो घुड़सवार से संबंधित, तो ही घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व यानी घोड़े से गिरने के पश्चात। आगे हम लोग देखें तो यहाँ क्या है साथियों, देखें ये BPSC का सवाल है, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या कह रहा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो लोगों को लगता है ये झोपड़ी ओपड़ी है, झोपड़ी नहीं है मेरे भाई, इसका नाम जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा भले से पड़ा है, लेकिन यह एक मस्जिद है जो एक संस्कृत विश्वविद्यालय को गिरा कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ? राजस्थान के अजमेर में है ये। तो याद रखिएगा, संस्कृत विश्वविद्यालय को गिराकर, यहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य वही संस्कृत विश्वविद्यालय के ही हैं। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। आगे चले हम लोग देखें 17 में क्या है। तो 17 में कह रहा है साथियों, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श कहलाता था? लाख बख्श, तो लाख बख्श का मतलब ये होता है साथियों, लाखों का दान करने वाला। लोग ये सोचते होंगे कि लाखों को बख्श देने वाला, नहीं, बख्शता नहीं था ये, लाखों को दान कर देता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। 18 में,
निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो मेरे भाई प्रथम महिला शासिका यहाँ पर देख रहे हैं, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका, तो अभी मैंने बताया था इसके बारे में, रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। आगे देखें मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? तो मेरे भाई जब आप लोगों ने पढ़ा होगा मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खान था, ये चंगेज खान ये इल्तुमिश के समकालीन था, यानी इल्तुमिश के समकालीन था, इल्तुमिश के समय के बराबर था, तो इसी के समय जो है वो आया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी हो जाएगा, ये इल्तुमिश के समय पर जो है ये उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था भारत के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। आगे हम लोग अगर देखें 20 में क्या पूछा जा रहा है, तो देखें उसी से संबंधित प्रश्न है जो मैंने अभी जिसकी चर्चा किया था, तो क्या है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? तो समकालीन था यानी उसके समय का था, जैसे आपके दोस्त पढ़ने वाले आपके समय की होंगे ना, तो उसी तरह से ये इल्तुमिश के समकालीन ये मंगोल नेता चंगेज खान था, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये ए उत्तर हो जाएगा, जो पूछा गया प्रश्न है यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे बढ़ें तो ये क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो मेरे भाई तेमुचीन, ऑप्शन नंबर सी तेमुचीन नाम था चंगेज खान का। आगे बढ़ा जाए 22 में क्या है, तो 22 में देखें साथियों ये आईएएस 1997 में पूछा गया प्रश्न है, एकदम सरल सा, इसके बारे में अब भी मैं आपको बताया था कि अपनी शक्तियों को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो जिल्ले इलाही, अभी मैंने बताया राजत्व का सिद्धांत यही दिया था बलबन ने ही ना, तो राजत्व का सिद्धांत में ही था कि मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर का छाया हूँ, तो जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, यानी मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर जैसा हूँ, जो मैं कहूँ उसे आपको फॉलो करना होगा, यानी कि राजा, यानी कि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, तो जिल्ले इलाही का मतलब ईश्वर की छाया। 23 में देख लें तो 23 में साथियों कह रहा है कौन सा कथन बलबन के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो नहीं पर ध्यान दीजिए, कौन सा बलबन के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो इसे हमें पकड़ना है 23 वाले में। तो साथियों उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये हमें नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है तो हम लोग आगे बढ़ें, अभी मालूम चल जाएगा, क्योंकि जो नहीं वाले प्रश्न होते हैं उसमें वही गड़बड़ी करता है जो आप जानते रहते हैं, तो इसलिए आप घबराए न करें, एक आपको नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे तो आपको आप देखेंगे कि आपको जो चीज़ें आती हैं उसी में गड़बड़ी किया रहेगा। तो अभी मैंने बताया इक्तादार जो व्यवस्था था ये बलबन ने थोड़ी न प्रारंभ किया था, इसको प्रारंभ ये मोहम्मद गोरी ने किया था अपने समय में, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे जो है लागू किया था, और इसको बेहतरीन ढंग से इक्तादारी व्यवस्था को इल्तुमिश ने लागू किया, तो इन सब का थोड़ा थोड़ा योगदान रहा, लेकिन ये बलबन के संदर्भ में ये गलत है, बी वाला ये गलत है, जिसका मतलब ये सब अपने अपने जगह पर सही हैं, इसे याद कर लीजिए बलबन के संदर्भ में। आगे बढ़ें हम लोग 24 में देखते हैं क्या है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों आपको मालूम होगा खिलजी वंश का संस्थापक, आप अगर जो रणबीर सिंह की मूवी आई थी पद्मावत अगर वो देखे होंगे तो उसमें है, आपको जो जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक हुआ करता था, और इसका भतीजा ये अलाउद्दीन रहता है, बाद में अलाउद्दीन सत्ता स्थानीय के लिए अपने चाचा को मार देता है, तो ऑप्शन नंबर एक खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। आगे देखें हम लोग 25 में, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की, तो साथियों दक्षिण दिल्ली का दिल्ली संतनत का पहला सुल्तान जो दक्षिण यानी दक्षिण भारत पर बहुत ज़्यादा राज्यों को जीता, बहुत सारी क्षेत्रों को जीता, तो अलाउद्दीन था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी।
और आपको ये बता दें, अलाउद्दीन खिलजी जो राज्यों पर विजय करता था वो क्षेत्रों को सिर्फ वो धन के लालच में करता था, तो वहाँ का बहुत समृद्ध है, वहाँ का हम लोग जीत लेंगे, विजय कर लेंगे तो हमें धन की अधिक से अधिक प्राप्ति होगी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा उसका लालच क्या था, तो धन की उगाही करना। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? मेरे भाई बहुत बढ़िया प्रश्न, आप देख सकते हैं ये कितनी बार ये टाइप के ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये तो इसमें लिखा कम है लेकिन और जगह पे पूछा गया है। तो किस मुस्लिम बादशाह ने मूल्य नियंत्रण यानी मूल्य को कंट्रोल करने की पद्धति लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। क्यों किया था? जनता के लिए नहीं, उसका मकसद जनता के लिए नहीं था, उसका मकसद ये था कि हमें जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, उनको पेमेंट कम से कम देना पड़े और वो कम पेमेंट में भी अधिक से अधिक सामान खरीद सकें, इसलिए मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था। ये चीज़ आपको कहीं पूछे तो याद रखिएगा। ये आगे बढ़ें, 27 में देखें क्या है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेना नायक कौन हुआ करता था? तो मेरे भाई मालिक काफूर, उसका बहुत विश्वसनीय सेना नायक, ऑप्शन नंबर सी। 28 में देखें क्या है। राज्य का वेतन प्राप्त करने वाले सल्तनत में सबसे विशाल सेना की स्थापना का श्रेय किसके दिया जाता है? यानी राज्य द्वारा वेतन प्राप्त करने वाली सल्तनत की सबसे बड़ी सेना का स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 29 में क्या है साथियों, ये कह रहा है कि अलाउद्दीन के लगान एवं कर संबंधी सुधार पूर्णतः विफल सिद्ध हुए। नहीं मेरे भाई, ये गलत कह रहा है, हमें बताना है सही। तो अलाउद्दीन जो लगान और टैक्स संबंधी सुधार किए वो पूरी तरीके से विफल नहीं हुए, हालांकि पूरी तरीके से सफल भी नहीं हुए लेकिन पूरी तरीके से विफल भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ये एक गलत हो जाएगा। तो दो कह रहा है कि अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर दिया जिससे साम्राज्य विस्तार के संसाधनों का अभाव हो गया। नहीं मेरे भाई, कमज़ोर नहीं किया था, ठीक ठाक किया था, तो ये भी गलत हो गया। इतना अन्याय नहीं, मतलब इतना उसका गलत नीति नहीं था, तो ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन अगले पेज पर होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी होगा, न तो एक न तो दो। आगे हम लोग देखें, जिसमें ढेर सारा लिखा रहता है उसमें दम नहीं होता है, आप याद कर लीजिए। ढेर सारा लिखने इसलिए लिख देता है बच्चों को, ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं जो उसमें दम नहीं रहता है, सिर्फ ढेर सारा लिखा रहता है। तो देखें इसमें क्या है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप यानी जिसे पैमाइश कहा जाता है, पैमाइश को आधार माना तथा महत्वपूर्ण वर्ग को भी भू राजस्व देने को कहा जिस तरह से आम जनता देती थी? तो मेरे भाई ऐसा ठोस कदम कौन उठाया होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों ऐसा शासक था तो भू राजस्व निर्धारण के लिए यानी जमीन का निर्धारण के लिए उन्होंने पैमाइश करवाई यानी जमीन की माप करवाई कि किस जमीन में कितना ज़्यादा फसल होती है, कौन सी ज़मीन कहाँ है, किसमें कौन सी फसल उगती है, कितना उगती है, ये पता लगाया। इसके आधार पर उन्होंने भू राजस्व को तय किया। और दूसरी बात इसमें कह रहा है कि यह ऐसा शासक था जो बड़े बड़े लोग, एलीट क्लास के लोग थे, उनको भी आम जनता की तरह टैक्स देने के लिए कहा। तो ये काम इतना बड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। आगे बढ़ जाएं हम लोग 31 में, तो इसमें क्या कह रहा है, घरी अथवा गृहकर यानी जिसे घरी और चरी कहा जाता है, तो घरी अथवा गृहकर ये भी होता है ना, घरी अथवा गृहकर, ये होम टैक्स की बात कर रहा है। होम टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन सा था? तो होम टैक्स लगाने वाला कौन लगाया होगा आपको मालूम है? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। 32 में देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया? तो साथियों ये खिजराबाद पूछ रहा है, किस क्षेत्र को अलाउद्दीन ने जीता और जीतने के बाद उस क्षेत्र का नाम खिजराबाद रख दिया? तो मेरे भाई चित्तौड़, यहाँ ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़ को जीता और जीतने के बाद चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। 33 में क्या कह रहा है, 33 में कह रहा है साथियों, दीवान ए रियासत
अभी ये दृष्टि में मेंटरशिप का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें कह रहा है दीवान ए रियासत का क्या काम था, तो मेरे भाई यह जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, उन पर कंट्रोल करने के लिए था। जिसको भी व्यापार करना होता था, एक विभाग था दीवान ए रियासत, तो इसमें आके अपना वो रजिस्ट्रेशन करवाता था। ऑप्शन नंबर सी, ये क्योंकि उन पर कंट्रोल रखा जाए, वो मनमानी न कर सके, पता रहे राजा को कहाँ कहाँ कितने व्यापारी हैं। देखें क्या कर, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण समय देवगिरी का शासक कौन था, तो जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ रामचंद्र देव, मालिक कपूर, प्रताप रुद्रदेव, राणा रतन सिंह, चार नाम दिए गए हैं, इन्हीं नामों में से हमें बताना है कौन सा था। तो मेरे भाई रामचंद्र देव ऑप्शन नंबर ए, कई सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखें हम लोग 35 में, MPPCS में पूछा जाने वाला प्रश्न 2014 में, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाज़ार सुधार लागू किया था। मेरे भाई अभी मैंने बताया बाज़ार मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही, तो ऑप्शन नंबर ए हो बी हो जाएगा यहाँ, अलाउद्दीन खिलजी मूल्य नियंत्रण यही लागू किया था, अपने सैनिकों को सस्ते में कम पेमेंट देकर ज़्यादा सामान वो लोग खरीद सके, इसलिए। 36 में क्या है साथियों, 36 में कह रहा है कि 1304 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली का सुल्तान व मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी, तो 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी, ब्यास नदी थी या रावी नदी थी या सतलज नदी थी या सिंधु नदी, कौन सी थी इसमें हमें बताना है। तो मेरे भाई सिंधु नदी ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में जो बहती है। आगे देखें हम लोग 37 में क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा, तो ये सीधा सीधा एक फैक्ट पूछा है आपसे, डेट पूछा है, MBT मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा, तो मेरे भाई ये 1325 में बैठा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखें दिल्ली से दौलताबाद की राजधानी परिवर्तन करने वाला शासक कौन था, तो मेरे भाई दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने वाला MBT था, कौन था, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखें हम लोग 39 में कह रहा है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है, तो मेरे भाई फुतुहात ए फिरोज शाही यह किसकी आत्मकथा है, फिरोज शाह तुगलक की है, याद रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग 40 में, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन था जिसके संबंध में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो मेरे भाई निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, ये जो एक था गयासुद्दीन तुगलक, ये इनसे कहा था कि हमें दिल्ली आने से पहले आप दिल्ली छोड़कर भाग जाइए, तो ये निजामुद्दीन औलिया ने भी उनके धमकी को चैलेंज करते हुए कहा कि दिल्ली अभी दूर है, यानी अभी इतने जल्दी मैं नहीं भागूंगा, अभी आपके लिए दिल्ली दूर है, लेकिन भाई ये इसको दिल्ली आते आते गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी, तो ये कथन बहुत फेमस कथन है, ये पूछा जाता है कई सारे एग्जाम में। तो 41 में हम लोग चले अब, तो क्या है इसमें देखें 41 में, निम्नलिखित शासकों में से कौन था जिसने जैन आचार्य राजशेखर तथा जैन प्रभु सूरी के साथ वाद विवाद एवं उन विद्वानों को धन आदि भेंट करने का प्रमाण मिलते हैं, तो ये किससे संबंधित है 41 वाला प्रश्न मेरे भाई हमारा, तो MBT से, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ही था जिसके जैन आचार्य राजशेखर और जैन प्रभु सूरी के साथ वाद विवाद एवं उनके विद्वानों को धन आदि भेंट करने का प्रमाण मिलता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा कौन हो जाएगा, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। 42 में हम लोग देखते हैं क्या है, निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा जाता है,
यानी वो निरंकुश भी था, मध्यकालीन शासक, और वह कल्याणकारी भी था। तो इसे किस में कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन, किसे कहा जाएगा मेरे भाई? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक था जिसे निरंकुश कल्याणकारी शासक कहा जाता था। तो 43 में हम लोग देखते हैं क्या है, 43 वाले में, तो देखें 43 वाले में एक बहुत बढ़िया फैक्ट है साथियों। यहाँ पर यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, कई सारे एग्जाम में ये अलग अलग जो है कथन देकर पूछा जाता है अलग अलग हिसाब से। तो ये क्या है 43 में हमारे, तो ये पूछ रहा है किस नगर या नगरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न, ये तो हमें याद है, बचपन से ही हमें टीचर ने बताया था, क्योंकि हमारा गृह जनपद जौनपुर है, तो टीचर ने हमें बताया था हाँ आपके जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो ये तो हमें याद है, चार होना चाहिए, और फिरोजाबाद को भी बसाया था, यानी ऑप्शन में दो होना चाहिए, चार होना चाहिए, ये तो फिक्स है। तो जिसमें चार नहीं होगा वो गलत हो जाएगा सीधे सीधा, इसमें चार नहीं है तो ये गलत, इसमें चार नहीं है जौनपुर नहीं है तो इसमें ये गलत, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ हमें एक पता है यहाँ पर, सोचो हमें कुछ नहीं पता है, सिर्फ हमें अपने जौनपुर के बारे में पता था, लेकिन हमने उत्तर को निकाल लिया, हाँ उत्तर यही होगा, कैसे, एलिमिनेशन के माध्यम से। बहुत बढ़िया साथियों, देखा आपने, तो इस हिसाब से अब हमारे उत्तर पास, हमारे उत्तर अपने आप आ गया। उत्तर क्या होगा कि अब कौन कौन सा निर्माण, किन शहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, फतेहाबाद एक, फिरोजाबाद दो, और ये फैजाबाद तो नहीं करवाया था, इसमें तीन नहीं है, जौनपुर चार, ये पांचवा और छठवा। बहुत बढ़िया, आगे चले। तो निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था, बदायूनी एक लेखक भी था, तो कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यानी किसकी मृत्यु पर बदायूं ने ऐसा कहा था, 44 वाले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई एमबीटी जब मरा था मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसी के संदर्भ में यह बदायूं ने ऐसा कहा था। तो चले हम लोग 45 पर, मंगोल आक्रमणकारी कौन था, तैमूर, किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो किस सुल्तान पर जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था, यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक, खिजर खान। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नसीरुद्दीन महमूद। तो महमूद आप लोग केवल जानते होंगे मंगोल महमूद, एम से महमूद, तो एम आप याद रखिएगा, याद हो जाएगा आपको। ब्राह्मणों से जजिया लेने वाला सुल्तान कौन था, तो ब्राह्मणों से भी जो जजिया कर लगाया जाता था, कि जो मुस्लिम शासक के अंडर में जो हिंदू रहते थे उनसे जजिया कर लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों और कुछ अन्य लोगों को से नहीं लिया जाता था, लेकिन एक ऐसा सुल्तान आया जो ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी जजिया कर लिया, तो ऐसा कौन था, ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखें इसमें कह रहा है 47 में कि इब्न बतूता आप लोग जानते हैं, रेहला इसका एक बहुत प्रचलित टर्म्स है, तो किससे शासनकाल में भारत आया था। तो मेरे भाई इब्न बतूता जो था एमबीटी के शासनकाल में आया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक। तो चले हम लोग 48 वाले प्रश्न पर, तो होली का त्यौहार, इसमें एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, होली का त्यौहार जो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2002 में पूछा गया प्रश्न है, तो होली का त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो मेरे भाई एमबीटी, 48 का जो उत्तर हमारा हो जाएगा, 48 का उत्तर बी हो जाएगा, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। 49 में देखते हैं हम लोग, 49 का ये प्रश्न हमारा आईएएस 2002 में पूछा गया प्रश्न है, तो कह रहा है कि मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है।
तो देखें साथियों, अलाउद्दीन ने पहले से एक आरिज ए विभाग की स्थापना किया था, तो ये बात गलत है। तो अलाउद्दीन ने पहले एक अलग आरिज ए विभाग की स्थापना किया था, तो ये तो इसमें कुछ हमें कन्फ्यूजन लग रहा है, हम आगे पढ़ें तो आगे क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से आप भी अगर क्लियर ना हो तो आगे पढ़ें, आपको वही गड़बड़ी मिलेगी जो आप जानते रहेंगे ठीक ठाक। तो बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, तो ये भी ये गलत है। यहाँ पर सी वाला क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, नहीं उसका चचेरा भाई बैठा था, फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर यही सही होगा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने ग़ुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो ऑप्शन नंबर डी यही सही होगा उत्तर हमारा। आगे बढ़ें हम लोग 50 में देखते हैं। देखें 50 में क्या कह रहा है, आईएएस 2004 में पूछा गया ये प्रश्न है। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का में अलग अलग वंश थे, उसमें एक तुगलक वंश था बहुत महत्वपूर्ण। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था इसमें, तो फिरोज शाह, गयासुद्दीन, नसीरुद्दीन, तो जो अंतिम था वही नाश किया होगा इसलिए अंतिम हो गया नसीरुद्दीन महमूद। तो ऑप्शन नंबर सी 50 का हो जाएगा उत्तर हमारा। 51 में दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है वो कौन था। तो मेरे भाई नहरों का जलजाल बिछाने वाला फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी यही है, यही उत्तर होगा 51 का ए, 51 का सी। देखें यहाँ पर एक बढ़िया प्रश्न है जो कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर तो एक ही दिया है। तो कह रहा है इसमें टोपरा और मेरठ, क्या टोपरा और मेरठ से दो अशोक स्तंभ उखाड़कर दिल्ली ले आया और वह कौन सा, यही पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये फिरोज शाह तुगलक होगा उत्तर, आप ये जान लीजिए और इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए। ये टोपरा कह रहा है और मेरठ से दो स्तंभ उखाड़कर, अशोक का स्तंभ था उखाड़कर ले आया। टोपरा को तो फिरोजाबाद में एक मस्जिद थी उसके पास लगवा दिया, और जो मेरठ था तो उसको ले आया दिल्ली के एक महल था मुस्लिमों का, तो वहाँ पर उसको दिल्ली में वहाँ पर लगवा दिया। तो याद रखिएगा ये सब, मैं इसको आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा कि टोपरा मेरठ से अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। आगे देखें हम लोग, अब दीवान एक कोही, बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर ये। दीवान एक कोही एक कृषि विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको स्थापित किया था, तो ऑप्शन नंबर ए किससे संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़े हम लोग 54 में, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो मेरे भाई सांकेतिक मुद्रा क्या होता है, जिस मुद्रा को बनाने में कम खर्च लगे और उसका मूल्य ज़्यादा हो। जैसे हम एक 2000 का नोट अगर बनाएं तो 2000 का नोट बनाने में हमारा 10 रुपये खर्च हुआ, तो सोचो 10 रुपये कीमत में 2000 का नोट तैयार हो गया। तो ये एक सांकेतिक मुद्रा है जो केवल एक, मतलब एक तरह का संकेत के काम करता है संकेत के बल पर। तो ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, किसने किया था, तो यहाँ पर ये क्या नाम होगा हमारे इस 54 के उत्तर में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ें, देखें ये छोटा छोटा प्रश्न है, हम लोग फटाफट करते हैं इसको। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक मेरे भाई खिज्र खान था, तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। 56 में क्या है, तारीख़ ए मुबारक शाही किसकी जीवनी है। तो तारीख़ ए मुबारक शाही किसकी जीवनी है, ये तो जीवनी है मुबारक शाह की, नाम से ही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें हम लोग 57 में क्या कह रहा है कि बहलोल लोदी ने किस सैयद वंश के शासक को अपदस्थ कर, यानी हरा कर दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किया था। आपको मालूम होगा साथियों,
बहलोल लोदी ने किस सैयद वंश के शासक को अपदस्त कर दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किया था? तो यहाँ पर जो चार नाम है, तीन नाम दिया है यहाँ पर, ये एक अलाउद्दीन शाह दिया है, मुबारक शाह दिया है, मोहम्मद शाह दिया है। तो किसको हराकर लोदी वंश की स्थापना किया था? तो पहले तो आपको एक चीज़ मिल गया कि लोदी वंश की स्थापना किसने किया था, बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी ने किया था, तो किसको हरा कर किया था ये अब पूछा जा रहा है। तो अलाउद्दीन शाह को हरा कर, ऑप्शन नंबर ए। 58 में देख लें हम अगर, तो सिकंदर लोदी के संदर्भ में कुछ टर्म्स, कुछ कथन दिए गए हैं और जो सही होगा उसी को हमें बताना है। तो सिकंदर लोदी के संदर्भ में तो क्या है यहाँ पर हमारा, देखें, इसने बहलोल लोदी द्वारा अपनाए गए अफगानी राजत्व सिद्धांत को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया, यस सही बात है। दूसरा कह रहा है कि इसने निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को पुनः विकसित किया तथा अफगानों की स्वतंत्र व विरोधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर उन्हें नियंत्रित किया। ये दोनों के दोनों कथन सही है सिकंदर लोदी के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही है। तो देखें यहाँ पर दिया है गुलरुखी, गुलरुखी उपनाम यानी गुलरुखी टाइटल से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था? तो फारसी में कविताएं लिखने वाला गुलरुखी टाइटल से कौन सा था? तो 59 का जो हमारा उत्तर है मेरे भाई, 59 का हमारा ये उत्तर ऑप्शन नंबर ये सिकंदर लोदी हो जाएगा। 60 वाला हम देखें, लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही ग्रंथ किससे संबंधित है? तो मेरे भाई ये संगीत से संबंधित है, लज्जत ए सिकंदर शाही संगीत से संबंधित है, जो सिकंदर लोदी के संबंध में यह था उसके समय में। तो 61 में क्या है, किस लोदी शासक ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी, तो गज ए सिकंदरी नामक पैमाना चलवाया था? नाम में ही इसके है सिकंदर लोदी, तो ऑप्शन नंबर सी। तो आपसे कभी पूछा जाए गज ए सिकंदरी क्या था, तो भूमि माप के लिए एक तरह का पैमाना था, तो जैसे मैंने अभी वो जरीब बताया था ना, तो उसी तरह से भी था। तो देखें यहाँ पर ये क्या है, 62, मियाँ भुआ जिसने तिब्बत ए सिकंदर शाही, मियाँ भुआ जिसने तिब्ब ए सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ की रचना की, तो किसका वजीर था ये, तो ये पूछ रहा है। तो मियाँ भुआ एक, मान लीजिए एक व्यक्ति था तो जिसने तिब्ब ए सिकंदरी नाम से औषधि ग्रंथ की रचना की, तो यह किसका वजीर था ये पूछा जा रहा है 62 में। तो मेरे भाई ये सिकंदर ए लोदी का वजीर था। तो 63 में, लोदी काल की प्रमुख इमारत मोठ मस्जिद, तो मोठ मस्जिद किस काल की है, लोदी काल की, कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर ये दिल्ली में है, हाँ ये हो जाएगा, मोठ मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में। तो देखें, तैमूर ने दिल्ली से वापस जाते समय किसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का राज्यपाल बनाया? तो तैमूर जब दिल्ली वापस जाते समय लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का राज्यपाल बनाया था, किसे बनाया था मेरे भाई, खिज खान को बनाया था, ऑप्शन नंबर बी। 65, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल का कौन सा सल्तनत शासक था? तो अफगान मूल का यहाँ कौन रहा होगा, तो मेरे भाई लोदी रहा होगा, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये लोग अफगानी थे और कई लोग तुर्क थे, तो इसके पहले के लोग, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 65 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। 66 में हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्या है 66 वाले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? तो आगरा नगर किसने बसाया होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर एक आप लोगों को बहुत पहले ही पढ़ाया गया होगा, मोहम्मद बिन तुगलक तो है नहीं, इसको पहले काट दिए, फिरोज शाह तुगलक को भी काट दीजिए। तो कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे सर बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी, तो मेरे भाई सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 66 का। तो
महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आपको मालूम है तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को एक बार पराजित किया था, उसके बाद फिर अगले में इब्राहिम लोदी ने महाराणा सांगा को पराजित कर दिया। तो ये किस युद्ध में पराजित किया था, ये 67वां में। हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा 67 का? ऑप्शन नंबर ए, खतौली के युद्ध में। देखें 68 में क्या है, देखें 68 वाला प्रश्न बहुत जगह एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ तो एक ही दिया है, आईएएस में पूछा गया था 2006 में, लेकिन बहुत बढ़िया है। इसका एक ट्रिक याद कर लीजिए, बी एस आई तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, तो इन शासकों का एक क्रम बताना था हमें, कालक्रम, सबसे पहले कौन शासन किया, उसके बाद कौन किया, उसके बाद, तो पहले बहलोल लोदी ने किया, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी, तो ऑप्शन नंबर ये इब्राहिम लोदी। इसी इब्राहिम लोदी को हराकर जो है बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। आगे चले हम लोग, तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो तैमूर आक्रमण जब हुआ उसके बाद किसका हुआ, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश का स्थापना हुआ तैमूर आक्रमण के बाद। 69 हमारा उत्तर हो जाएगा। 70 में क्या है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिए गए हैं, तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव की जो टैक्स लगाने की जो व्यवस्था थी उस पर हमें विचार करना है। तो 70 में तो क्या है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। यस, सही बात है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व लगाया जाता था। कारखानों में निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। यस, ये भी सही है, तो दोनों के दोनों कथन सही हैं हमारे। 70 का हो जाएगा हमारा, दोनों के दोनों सही हैं। यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। देखें हम लोग अब 71 पढ़ें, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो अभी मैंने बताया भाई, यह जौना खान, जिसको हम लोग एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, ये इसका भाई जो था फिरोज़ शाह तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया था, लेकिन किसकी स्मृति में, जैसे कहा जाता है ना, तो ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया अपनी बीवी की याद में, तो उसी तरह से फिरोज शाह ने जौनपुर नगर को बसाया था ये जौना खान के याद में। तो 71 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा उत्तर, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। 72 में देखें, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पुर का सिराज कहा जाता है? यही है मेरे भाई हमारा ज़िला जौनपुर, ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर का सिराज, अपनी शिक्षा और साहित्य के दम पर। देखें 73 में, कश्मीर शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वो कौन था? तो मेरे भाई वो जैनुल आबिदीन, ऑप्शन नंबर डी। 74 में, सही युग्म सुमेलित नहीं है उसे चिन्हित कर लीजिए। तो कौन सा सही नहीं है उसे हमें चिन्हित करना है मेरे भाई? तो बाज बहादुर मालवा से संबंधित है, कुतुब शाह गोलकुंडा से सब जानते हैं, ये सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित है, और यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर से संबंधित है मेरे भाई, अहमदनगर से नहीं। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। दक्षिण भारत में पोलिगार कौन थे? तो दक्षिण भारत में पोलिगार नाम का ये जो एक टर्म दिया है आपको, ये कौन थे? तो ये थे मेरे भाई क्षेत्रीय प्रशासन और सैन्य नियंत्रण अधिकारी, जो क्षेत्रीय प्रशासन और जो सैन्य नियंत्रण का काम करते थे, ऑप्शन नंबर सी। 76 में देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो कौन से शासक ने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था? मेरे भाई कौन हो सकता है, आपको लगा रहा होगा कौन, जो थोड़ा सा सॉफ्ट दिल का रहा होगा वही ये सब किया होगा। तो 76 में जैनुलीन आबिदीन,
तो 76 का ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। तो बहमनी राज्य की स्थापना, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने, हुसैन निजामुल शाह ने, अली आबिद शाह ने या मुजाहिद शाह ने? तो किसने किया था भाई? अली आबिद शाह ने। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बहुत बढ़िया प्रश्न है। दो सूची दिया है, एक सूची में राज्य है और दूसरी सूची में राजवंश है, तो इसी को हमें मैच करा देना है। बहुत बढ़िया सवाल। तो देखें क्या कह रहा है इसमें साथियों। तो पहले में जो हमें ये कह रहा है, पहला क्या है यहाँ जो हम जानते हैं पहले उसको मिलाएं, गोलकुंडा ये कुतुब शाही से संबंधित है, बीजापुर आदिल शाह से संबंधित है, और सी जो है यहाँ पर हमारा ये अहमदनगर से संबंधित है, और बरार जो है ये इमाद शाही से संबंधित है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे पढ़े हम लोग 79 पे। तो 79 में कह रहा है कि यहाँ पर कथनों पर विचार करके असत्य कथन को हमें बताना है, सही नहीं सत्य नहीं असत्य कथन को। तो असत्य कथन यहाँ पर क्या हो सकते हैं उसको हमें बताना है 79 में। तो पहला हम पढ़ें, हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतियों के सामंत थे, ये बात तो सही है। इस्लाम स्वीकारने के पश्चात हरिहर और बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिण भारत में विद्रोह के दमन के लिए भेजा था, ये भी सही है। इस्लाम एक बार ये लोग इस्लाम स्वीकार किए थे। हरिहर और बुक्का के गुरु विद्यारण्य थे, ये भी सही है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था, ये भी सही है। तो इसका मतलब इनमें से कोई गलत नहीं है, सब के सब सही हैं। आगे हम लोग पढ़ें 80 में क्या है मेरे भाई, कह रहा है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मेरे भाई हुसैन शाह, ऑप्शन बी, क्योंकि अपने ज़िले का सब याद रखते हैं जुबान पे। तो क्या है 81 में, 81 में है आमुक्त माल्यद किस शासक की रचना है? तो ये किस शासक की रचना है मेरे भाई? कृष्णदेव राय की, दक्षिण के शासक। आगे देखें 82, किस संगम वंशीय राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? तो किस संगम वंश के राजा थे वो और चीन में एक दूत मंडल भेजे थे उसको हमें बताना है। तो भेजे थे बुक्का प्रथम। 83 में क्या कह रहा है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किया था? तो कृष्णदेव राय ने साथियों किस नगर की स्थापना किया था? तो उदयगिरी की स्थापना किए थे, ऑप्शन नंबर सी। देखें 84 में क्या है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो अब्दुल रज्जाक ये विजयनगर आया था, कब आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, ऑप्शन नंबर बी। देखें ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये सब और छोटे छोटे प्रश्न हैं कई बार पूछे गए। निकोलो डी कॉन्टी इटली का एक यात्री था, तो क्या था इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, ऑप्शन नंबर बी। वैदिक ग्रंथों ने भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था, तो वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। किसका आश्रय प्राप्त है, परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, या विजय नगर के राजाओं का, या वाकाटक वंश के राजाओं का? तो किसका था मेरे भाई यहाँ, विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। तो 87 में देख लेते हैं हम लोग क्या है 87 वाले में। तो इसमें हमें कई सारे कथन दिए गए हैं और कह रहा है हमें असत्य को बताना है, जो असत्य हैं तो वह उसी को हमें पकड़ना है जो असत्य कथन है। तो साथियों पहला क्या है, विजयनगर कालीन समाज में सती प्रथा प्रचलित थी, यस प्रचलित थी, सही बात है। विजयनगर कालीन समाज में क्षत्रियों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। विजयनगर समाज में विवाह कर सामाजिक तथा सामुदायिक कर के रूप में आरोपित था।
यानी विवाह कर सामाजिक तथा सामुदायिक कर के रूप में आरोपित था, ये भी सही है। विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, सही बात है। उपज का 1/6 भाग के रूप में वसूला जाता था, ये भी बात सही है। यानी सब के सब चारों के चारों कथन सही हैं, इनमें गलत कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर। 88 में देखते हैं हम लोग, तालीकोटा क्या है। तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में लड़ा गया था, तो किसके किसके बीच लड़ा गया था, 88 वाले में यही प्रश्न पूछ रहा है। तो विजयनगर और बीजापुर, अहमद तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। तो विजयनगर और बीजापुर, अहमद तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं, यानी एक ये सेना थी विजयनगर और बीजापुर, अहमद, तीन तीन गुटों के संयुक्त सेना के यहाँ था। आगे देखें हम लोग, देखें 89 में कह रहा है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था, किसकी सेना को हराया था। तो 89 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन नंबर सी। वारंगल कहाँ है, ये तेलंगाना में है, तो एक बार हरा दिया था तो दूसरी बार भेजा था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है। यानी जो विट्ठल मंदिर है उसमें 56 एक स्तंभ है जहाँ से संगीतमय आवाज़ आती है, तो ये कहाँ अवस्थित है यही पूछ रहा है हमसे, जो IAS 2007 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये कहाँ है मेरे भाई, तो हम्पी में है। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी। देखें 91 में क्या पूछा जा रहा है, 91 में कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और विचार करके हमें सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर कैसे देंगे, तो हमें इन कथनों को तीनों को पढ़ना होगा सबसे पहले। तो पहला है दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली प्रभारी को आमिल कहा जाता था। यस, दिल्ली सल्तनत में राजस्व प्रशासन में जो राजस्व को वसूली करता था तो उसको उसके प्रभारी को आमिल कहा जाता था, ये बात सही है। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, नहीं मेरे भाई, यह एक प्राचीन नहीं थी, यह उन्होंने खुद उस समय बनी थी, तो ये गलत हो जाएगा। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में था, नहीं मेरे भाई, ये उसके शासनकाल में नहीं हुआ था, तो ये एक और तीन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल एक सही होगा। 92 में आनुष्ठानिक नातेदारी विजयनगर शासन का प्रमाण चिन्ह था, तो विजयनगर शासन का प्रमाण चिन्ह क्या था, आनुष्ठानिक नातेदारी। विजयनगर शासकों ने निम्नलिखित में से किस एक देवस्थल की ओर शासन करने का दावा किया था, तो किसको ओर दावा करने किया था मेरे भाई, बिरूपाक्ष देवस्थल की ओर शासन करने का दावा किया था, आनुष्ठानिक नातेदारी उसका प्रमाण चिन्ह था। तो 93 में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा उद्देश्य था, तो मेरे भाई मैंने पहले अभी बताया था, एक प्रश्न आया था तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने पहले परिवर्तित किया, तो मैं आपको बताया मोहम्मद बिन तुगलक, वही बात इसमें बताई है, लेकिन इसमें पूछ लिया कि क्यों किया, उसका इंटेंशन, उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य मेरे भाई तो इसलिए था। यहाँ पर पहला अगर हम लोग कथन इसका पढ़ते हैं तो पहला कथन में कह रहा है दौलताबाद में स्थानांतरण से, यानी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरण से उन्हें दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलता, ये बात सही है। इसके पश्चिमी एवं दक्षिणी पत्तनों तक पहुंच उपलब्ध होगी, ये भी सही है। आगे अगर हम लोग पढ़ें तीसरा कथन जो कह रहा है, यह उत्तर पश्चिमी यानी नॉर्थ वेस्ट जो सीमा थी उसको सीधे मंगोल आक्रमण से रोक सकता है, तो यानी यहाँ डी हो जाएगा हमारा, सभी के सभी कथन सही हैं। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित करके दौलताबाद किया था। ये देखें हम लोग 54 में, 94 में क्या है,
संगम सालुक तुलुक के शासक राजवंश किससे संबंधित है? तो मेरे भाई विजयनगर से, ऑप्शन नंबर डी। एक प्रश्न भी पूछा जाता है, इन दोनों का क्रम बताने का भी प्रश्न आएगा। ये देखो 95 में आ गया शायद, हाँ यही है। निम्नलिखित किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया? तो मेरे भाई ये दिल्ली, ये राज विजयनगर शासकों का ये नाम दिया है, इनके कालक्रमों को हमें बताना है किसके मतलब शासन किया। तो इसका आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए, सस्ता SSTA, यहाँ से यस से क्या हो जाएगा, संगम सालूब तुलूब अराबिडो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही उत्तर होगा। 96 में क्या है, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब यानी जिसे ट्रू आर्क कहा जाता है, तो किस इमारत में सबसे पहले ट्रू आर्क यानी सही मेहराब पाई गई? तो 2.5 दिन का मस्जिद या सुल्तान बलबन का मकबरा या अलाई दरवाज़ा? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा हो जाएगा ये बलबन का मकबरा, सुल्तान बलबन का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर हमारा। इसमें सही तरीके से मेहराब यानी ट्रू आर्क पाया गया था, उसका गुंबद जो है। 97 में क्या है, तो यहाँ पर देखे कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है उसी को हमें बता देना है, तो जो सही नहीं होगा। तो कौन सा सही नहीं है, चलें हम लोग पढ़ते हैं। तो देखें सब पढ़ेंगे ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा डी में, यहाँ ऑप्शन नंबर डी के पास, मार्को पोलो ने दक्षिण भारत में तूतीकोरिन की मुक्ता मात्सिकी यानी पर्ल्स फिशरी के बारे में उल्लेख नहीं किया है। तो नहीं भाई, मार्को पोलो जो एक जो है व्यापारी था वेनिस का, तो जो आया था दक्षिण भारत में, तो तूतीकोरिन मुक्ता यानी पर्ल फिशरी के बारे में उल्लेख किया है उसने, इसमें कर दिया नहीं किया। तो यहाँ पर हमें कौन बताना है, तो जो सही नहीं है, तो यही गलत था। क्यों गलत था, नहीं की वजह से, तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। 98 में प्रारंभिक मध्यकालीन का भारतीय सामंतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है हमें, तो विचार करके हमें सही उत्तर को देना है। तो पहला हम लोग अगर पढ़ेंगे तो राजस्व समनुदेशन को भोग कहा जाता था, तो राजस्व समनुदेशन को क्या कहा जाता था, भोग। तो ये 98 का ये पहला जो है हमारा ये सही है, ऑप्शन नंबर ये तो सही है। दूसरा कह रहा है वंशागत प्रधान न तो राजत्व उगाते थे न ही प्रशासनिक शक्तियां धारण करते थे, मेरे भाई करते थे, ये कथन गलत है, ऑप्शन नंबर ए केवल सत्य होगा हमारा। 99 में क्या कह रहा है, मार्को पोलो की भारत यात्रा जो 1271 AD ने यूरोप में किस कारण से अत्यधिक ख्याति प्राप्त की? तो यही कह रहा है मार्को पोलो ने जो भारत की यात्रा की थी 1271 AD में, तो यूरोप में किस कारण से अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई थी, तो उस पर ये दोनों तो नहीं होंगे, राजाओं के साथ मैत्री ये तो नहीं होंगे। अगले पेज पर देखते हैं कोई है तो, उसने पूर्वी देशों में व्यापारिक धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं का विवरण दिया था, यस ऑप्शन नंबर सी यही सही होगा। तो 100 में कह रहा है हम्पी में विजयनगर, तो विजयनगर कहाँ है, हम्पी में, हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में, तो हम्पी में विजयनगर के भगनाव शेष किसके शासन किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए, तो किसके शासनकाल में, तो 100 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल कालीन मैकेंजी KKM। 101 में कह रहा है कि तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी, मेरे भाई विजयनगर साम्राज्य का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखें 102 में निकोलो डी कांटी, अब्दुल रज्जाक, अफनासी निकीतन और फरनाओ नुनूज ने
किस साम्राज्य की यात्रा की, तो मेरे भाई विजयनगर साम्राज्य की, ये सब जो थे विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किए थे। ये इटली का था, अब्दुल रज्जाक जो है ये भी था जो है, ये तो आया था जो है द्वितीय के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर। 103 विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले मंच यानी चबूतरे को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य के जो राजा होते थे मेरे भाई, वो अपने धार्मिक कार्यक्रम के लिए जो उस मंच का प्रयोग करते थे तो उसे महानवमी डिब्बा बोला जाता था। ऑप्शन नंबर ए, उस चबूतरे को, मंच को। तो देखें ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा, 104 क्वेश्चन नंबर, विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग किससे संबंधित है? तो विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में प्रदान करता है? तो गांव का मुखिया, वरिष्ठ सैनिक, सिविल कर्मचारी या कौन हुआ? तो यहां पर सेना कमांडर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो साथियों यहां पर हमने कुल 104 प्रश्नों का बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व किया। प्रश्न थे जो सब के सब दिल्ली सल्तनत से संबंधित थे। तो आपका अगर इसे आंसर सहित, आंसर के सहित 104 प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए, आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब के लिंक में जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे वही लिंक पे क्लिक करके, तो आपको ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो चलें साथियों, नमस्कार, जय हिंद।